So today's vlog is about only food. Yes, I'm going to visit some of the restaurants and cafes in Mumbai, and I'm going to go and review some of the food in Mumbai. And today's day one. I'm going to Argos Bombay in Khar West, and this is a collaboration. So ये वाला जो collaboration है, मैं mom dad को लेके जा रही हूँ. So I'm going to go there. And हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कैसा है वो Argos. मैं भी पहली बार जा रही हूँ, so let's see how is the restaurant. And this is what I'm wearing, a yellow bandeau dress. So today we went to Argos Bandra. It's in Khar West. So this is the inside view of the restaurant. Light thoda kam tha, but it was good. And hum pehla customer the wahan par, kyunki wo shuru hota hai 4 baje se, kyunki collaboration tha, that's why hum jaldi aa gaye the. Hame jaldi bulaya gaya tha. और यहाँ मैं पानी पी रही थी, मुझे वीडियो लेना था. अभी तक हमने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, दैट्स व्हाई पानी पी के ही वीडियो लिया मैंने. Restaurant ambiance is about the style and character of the restaurant's atmosphere. It involves everything from lighting and sound to decor and color. और आप देख रहे हैं मैं बाहर बैठी थी. और अब हमने फ्रेश लंच और ऑर्डर कर दिया, हम तीनों ने हम एंजॉय कर रहे थे. तब तक देखो खाने में क्या आ गया. कॉलीफ्लावर बफेलो विंग्स. और मम्मी पापा यहाँ पर खाने को देख के पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर अच्छा ही है. और अभी हमने ऑर्डर किया है स्पेगेटी अले ओलियो एंड न्योकी पेस्टो. सो एज इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, सो वहाँ पर चिकन प्रॉन कुछ नहीं मिला था. एक्चुअली हमें जाके ही पता चला ये वेजिटेरियन है एनीवे, बट ये बहुत ही टेस्टी था. दोनों ही सच में बहुत टेस्टी था. मतलब वेजिटेरियन खाना बहुत ही कम टेस्ट मैंने खाया है, पर ये बहुत ही टेस्टी था. और मम्मी पापा को देखो, पूरा खाना खा लिया है. पूरा हमने पूरा तीनों प्लेट खत्म कर दिए थे, इतना टेस्टी था. मम्मी का बोल ही दिया मम्मी ने कि टेस्टी है. और यहाँ नेक्स्ट आ गया वेज दम बिरयानी. स्मेल तो अच्छा था, और मुझे डाउट था कि पता नहीं खाने में कैसा होगा, कि बॉम्बे की बिरयानी अच्छे नहीं होते. पर मैंने जब टेस्ट किया, ओ माय गॉड, इट्स वेरी यम्मी, वेरी 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 यम्मी. बहुत ही अच्छा था, थैंक गॉड. ये सूखा वाला था, करी वाला बिरयानी नहीं था. और लास्ट में हमने ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर किया था, वो मेरा फेवरेट है, और मैंने खा लिया था. यहाँ पर वीडियो भी ले रही थी साथ साथ में, एंड ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा, एंड मम्मी पापा को भी अच्छा ही लगा. पूरा ख़त्म उन्होंने ही किया था. Overall, the food was amazing and the service was fantastic. So today is day two, and I am going to Mokai Cafe in Bandra. And I heard it's a very good cafe. They have good, क्या बोलते इसको? Avocado toast. Sorry, avocado toast and Japanese वो वाला जो मैंने जापान में भी खाया है, Japanese sandwich for sandwich they have. So I'm gonna taste that one and I will tell you how is it. So finally we reached Mokai Cafe, और बाहर से बीची बीची फील आ रहा है. एंड ये है अंदर, जब एंट्री करते हो यहाँ बहुत सारे कॉफीज हैं, और अंदर का जो सिटिंग एरिया है ये कुछ ऐसा दिखता है मोकाई. यहाँ पर ऑब्वियसली कॉफीज बनते हैं. एंड मम्मी बाहर थोड़ा सा पोज दे रही थी, और भी लोग थे अपने मम्मी के साथ आए. पापा तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मुझे पता इतना नहीं बाहर खाएंगे. और मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पोज दे रही थी ताकि थोड़ा वीडियो आपके लिए अच्छा बने. एंड हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया था, लेट्स सी. और हमने ऑर्डर किया था माचा लाटे एंड एवोकाडो टोस्ट, एंड लुक एट द कॉफी, सो क्यूट. तो अभी मैं एवोकाडो टोस्ट को काट के खाने वाली हूँ, और ये देखो मैंने अपने मुंह में डाल दिया, और उसके बाद जो हुआ, ओ माय गॉड, द एवोकाडो टोस्ट इज वेरी वेरी गुड, द बेस्ट एवोकाडो टोस्ट. प्लीज़ आप लोग मौका या के ये एवोकाडो टोस्ट जरूर ट्राई करना. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, पर मैं खुद बोल रही हूँ मैं वापस जाने वाली हूँ इसमें खाने. मम्मी ने भी टेस्ट किया, पर मम्मी को भी सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा. पहले भी खाया है लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है. अब मैं ये कॉफ़ी टेस्ट करने वाली हूँ. ये कॉफ़ी देखने में बहुत क्यूट था, लेकिन मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ कॉफ़ी फैन. सो मैंने पिया लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माचा भी मुझे इतना नहीं पसंद है. लेकिन मैंने ट्राई किया, इट्स ओके. और मैंने साथ में ऑर्डर किया जापानीज सीजनल सैंडविच, फ्रूट सैंडविच, जो मैं जापान में खाया था, वो बहुत ही टेस्टी है. ये वाला भी टेस्टी था, लेकिन वो ब्रेड इन्होंने ना सेक दिया, सेकना नहीं था, इनको बोला भी मैंने, पर इट्स लाइक इंडियन पीपल लाइक दिस ओनली. बट द व्हिप क्रीम एंड मैंगो वाज वेरी गुड. ओवरऑल द फूड वाज गुड. टुडे इज डे 3 फॉर माय कैफे हॉपिंग, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एगो कैफे,
Korean cafe नया खुला है, so I'm going there. Let me see what I can order. I want to have, मतलब I have decided what I will have, but still I will go there and I'll ask what is there, the best seller, and I will review everything. I will tell you how is the food. So let's go. माँ कैसा लग रहा है जो हम खाने जाते हैं रोज कैफे में, कुछ ना कुछ ट्राई करना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है. हाँ खाने में तो हम लोग मस्त है, पर खा खा के मेरे पेट पूरा खराब हो. पापा नहीं जाते हर जगह, जैसे पापा फर्स्ट दिन गए थे कोलैबोरेशन वाला वीडियो वहाँ पर गए थे, लेकिन हर जगह नहीं जाते पापा क्योंकि वो खाते भी नहीं इतना वो बाहर का, लेकिन मैं मम्मी तो जाते हैं और हम टेस्ट करते हर जगह, कोशिश करते जहाँ जहाँ जा पाए जब तक वो लोग हैं यहाँ पर. अभी तो चले जाएंगे बेटियाँ के लिए. So finally I reached Ego Cafe and Bakehouse. It's in Santa Cruz West and ये है अंदर sitting area जो एक लड़का बैठा था और ये है बाहर का sitting area. It's cute but obviously Korea जैसा नहीं है. Korean के cafe Korea में बहुत अलग ही मिलते हैं, यहाँ पर इतना वैसा नहीं है. और बहुत गर्मी था आज बहुत, एंड यहाँ मैं वापस पोज देते हुए शर्मा रही थी मैं. और यहाँ पर कुछ बोर्ड्स में लिखा हुआ था कोरियन लैंग्वेज में एंड इंग्लिश में, आई एम हंग्री, आई लव कोरिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था. एंड फिर मैं मेनू चेक कर रही थी क्या क्या है. चेक करने के बाद फिर मैं देखा हर्ट, ये फिंगर हर्ट, कोरियन फिंगर हर्ट यहाँ पर था. फिर मैंने ये ऑर्डर किया कोरियन बन जिसमें चिकन एंड मायो था, और ये मैं खा के बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मैं पहली बार खा रही हूँ. कोरिया में भी नहीं खाया था ये, आई डोंट नो कोरिया में कहाँ मिलता है, पर बहुत टेस्टी था. ये तोतबोकी है, तोतबोकी मैंने पहले भी खाया है, और ये वाला आई मीन इंडिया में खाया है, मैं कोरिया में जाके तोतबोकी नहीं खाया. क्या बोलूँ मैं, बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं. और ये वाला भी अच्छा ही था, ऐसा कोई मतलब ख़राब नहीं था, बट कोरिया इज़ बेस्ट खाने के लिए. एंड मम्मी भी ट्राई कर रही थी कोरियन बन, मम्मी को भी नॉर्मली लगा, लेकिन आई फील लाइक कोरिया में जाके ये सब खाना बेस्ट होता है, पर यहाँ का इन लोगों ने ट्राई किया है, आई कैन से दे ट्राइड इट. ओवरऑल ये तोतबोकी अच्छा ही था क्योंकि प्रॉन तोतबोकी ऑर्डर किया था, बहुत स्पाइसी था बट इट वॉज गुड. और ये देखो क्या हो गया हमारे साथ, मोची के अंदर आइसक्रीम, मैंने पहली बार सुना है मोची के अंदर आइसक्रीम कौन देता है, और मेल्ट हो गया यहाँ पर, क्या करूँ. पर मैंने फोटोज लिया था वो आपको दिख जाएगा. ओवरऑल मैं ओके ओके बोलूंगी, दैट्स ऑल. And guys, that's all for today's video. We'll be back with a new video. Till then, subscribe to my channel, like my video, comment on my video, and click on the bell notification and follow me on Instagram. See you next week. Bye.